हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ यूपी 19 व्लॉग्स। आपका नई वीडियो में स्वागत है। अभी सुबह 7:30 से मेरा ड्यूटी शुरू हो गया है था, और अभी शाम को 5:30 बजे मैंने अपना ड्यूटी ख़त्म किया। फिर हमने सोचा कि चलो अपने प्याज में पानी डाल देते हैं, मैंने सोचा फिर। लेकिन फिर मन किया कि अरे यार यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत कड़ी है, तो ये जो जितने बड़े प्याज हुए थे उन सबको उखाड़ लिया जाए। तो जो प्याज थे हमने आज क्या किया कि उनको उखाड़ लिया, और उसमें से थोड़े से प्याज निकल गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़े से प्याज ये हैं, और ये जो यहाँ से निकले हैं कुछ प्याज वो हैं, वरना ये ख़राब हो जाते कुछ समय के बाद। और कुछ प्याज ये हैं, तो यहाँ पर थोड़े से प्याज निकल गए हैं। और जो मिर्ची के पौधे थे उनमें हमने पानी डाल दिया है। और आज हम अपने यहाँ पर घिया के बीज बोने जा रहे हैं। घिया के बीज बोएंगे। ये हैं छोटू महाराज। छोटू आया छुट्टी पे। ये है छोटू आया छुट्टी पे। ये है छोटू की छोटी सी मोटरसाइकिल, और ये है हमारा पाइप। इस पाइप से हम डालेंगे पानी, यहीं पर पानी डाल देंगे, घिया के बीज बोएंगे। मम्मी यहाँ पर घिया के बीज बोने के लिए मिट्टी खोद रही है, फिर यहाँ पर घिया के बीज बो देंगे, और फिर वो घिया की जो बेल होगी वो फिर वहाँ तक फैला दी जाएगी। ये मैंने यहाँ पर, इसके अंदर गाय वगैरह ना आए, तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ी लकड़ियाँ गाड़ी थी, तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ला मेरे पांव दबाओ रे, ला। ये यहाँ पर पानी से हम पैर धुल रहे हैं, पी लूँगा पानी थोड़ा सा। यहाँ पर आज मम्मी क्या कर रही हैं, घिया के बीज बो रही हैं, और प्याज हमने उखाड़ लिए हैं। तो ये जो प्याज है ये अब हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास आजकल बहुत सारा घर बनने शुरू हो गए हैं। उधर की साइड आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो आपको एक वो बड़ा सा टावर दिख रहा होगा, जो कि बिजली का एक बड़ा पोल है, उसके पास ही वहीं पर एक नई कॉलोनी कट रही है। अगर वहाँ पर आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे बीच में, तो वहाँ पर नए प्लॉट्स की प्लॉटिंग शुरू कर दी गई है, वहाँ पर प्लॉट बेच रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि सामने आप देख सकते हैं कि जो बीच में जो आपको वाइट कलर का मकान दिखाई दे रहा है, इस मकान का इनॉग्रेशन तो हो गया था, गृह प्रवेश उन लोगों ने कर लिया था, लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसका पुट्टी का काम बाकी था। तो अब मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि दो लड़के लगे हुए हैं, वो शायद पुट्टी का काम अब निपटा रहे हैं वहाँ पर। पहले मैं भी यही सोचता रहता था कि इनके आधे घर पर तो पुट्टी का काम पुट्टी हो गई है, और आधे घर पर पुट्टी बाकी है। आई डोंट नो वाई दिस इज़ हैपेंड। तो सही से पता नहीं चल पा रहा था, तो मुझे लग रहा है कि शायद इनका मिस्त्री जो है वो काम पर आ नहीं रहे होंगे, तो इसलिए शायद यहाँ पर इनका पुट्टी का काम अधूरा था। ये देखिए हमारे मजदूर ने प्याज उठा लिए हैं। क्या रुपए लेगा, 10 रुपए? ये हमने प्याज उठा लिए हैं, मुझे लग रहा है 1.5 किलो के आसपास तो हो गए होंगे। 150 150। अरे पकड़ ला इसमें, तो इसे एक हाथ से पकड़ूंगा। ये देखिए ये प्याज हुए हैं थोड़े से, इनके जो पत्ते हैं उनकी सब्जी बना ली जाएगी, और बाकी काम में ले लिए जाएंगे, जो भी होगा सब्जी वब्जी में काम में ले लिए जाएंगे। अरे यार यहाँ भी पानी डाल लूँ मैं। ये मिर्ची के पौधे हैं, इनमें भी मुझे पानी डालना है। इन टमाटर के पौधों में तो मैंने पानी डाल दिया है, बाकी पौधों में भी मुझे पानी डालना है। ये यहाँ पर सारे प्याज उखाड़ दिए गए हैं, ये देखिए कैसे उबड़ खाबड़ हो गया। कर दूँगा। ये यहाँ पर हमारे मिर्ची के पौधे रह गए थे 2-4, इनमें भी पानी देना रह गया था, इसमें पानी दे देते हैं। इसमें घास बहुत होगा, इसको मैं किसी दिन, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन मैं इसको साफ़ कर दूंगा बड़े अच्छे तरीके से। अरे टूट जाएगा फावड़ा, नोना मारा है। कितनी मोटी कुत्ती आया, चले नहीं जाता इसमें।
मच्छर ढेर है, बैर तो ढेर लगे इधर आ, बैर ना बैठे जाता। तो हमारे छोटे से खेत में छोटे छोटे प्याज निकल गए हैं। आज मैंने केवल इतना ही अपडेट देने के लिए ये वीडियो शूट किया था। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक पर। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।